अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टीवी वन। दोस्तों, आज की वीडियो में एक खराब एलईडी से जो है इमरजेंसी लाइट भी बनाएंगे और साथ में पावर बैंक भी बनाएंगे, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगी। वीडियो को शोरों से एंड तक जरूर देखना ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीज यूज करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो गाइस, इमरजेंसी लाइट बनाने के लिए हमें जो है एक पुरानी एलईडी चाहिए, खराब जो एलईडी हो। इसको मैंने ऑलरेडी खुला हुआ है, इससे मैंने सारी चीज़ें निकाल ली है। ये खाली एलईडी है और ये इसका ऊपर वाला कवर है। और एक जो है हमें पावर बैंक का मॉड्यूल चाहिए, ये आपको ऑनलाइन जो है दराज से 100 रुपये का मिल जाएगा। और इसके अलावा हमें 3 एलईडी लाइटें चाहिए, तो ये लाइटें भी आपको दराज से मिल जाएगी। ये 3.7 से लेके 4.8 वोल्ट तक जो है डायरेक्ट से चलती है। और इसके अलावा जो है हमें 2 बैटरियाँ चाहिए होगी 18650 की। तो ये मेरे पास 2 बैटरियाँ हैं जो कि 3800 mAh का है। तो चलिए फटाफट से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हम इसमें हमारे पास ये सिल्वर की एक छोटी सी हेडसिंग है, तो इसको हम इसमें के बराबर काट के इसमें लगा लेते हैं। इसको सुपर ग्लू या किसी और ग्लू के जरिए जो है आपने इसमें चिपका देनी है। तो इसके बाद जो है ये एलईडी लाइटें जो है इसके ऊपर इस तरह चिपका देनी है। तो इन सब की एक साइड में सुराख है, तो जिस साइड में सुराख है ये हमारा माइनस है और दूसरा प्लस है। तो इन सब को जो है हम इस तरह पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो अब जो है हमने ये दोनों सेल जो है इसको पैरेलल में कनेक्ट कर लेना है। पॉजिटिव पॉजिटिव को लगाना है और नेगेटिव को लगाना है। तो इसी तरह इसका पॉजिटिव इस पॉजिटिव के साथ लगा देना है, इस सेल के साथ। तो इसके साथ ये मैंने पॉजिटिव लगा लिया और दूसरी साइड पे अब नेगेटिव लगा लेते हैं। तो दोनों सेल हमारे कनेक्ट हो गए हैं। तो अब ये हमारा जो पावर बैंक मॉड्यूल है, इन दोनों को हम इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसके ऊपर सामने लिखा हुआ है बैटरी पॉजिटिव और बैटरी नेगेटिव, तो इन दोनों को यहाँ से कट कर लेता हूँ और इसके साथ लगा लेता हूँ। बैटरी नेगेटिव हो गया और ये बैटरी पॉजिटिव हो गया, तो ये हमारा इससे ये सेल चार्ज भी हो गया और इससे पावर बैंक भी हमारा चलेगा। तो अब मेरे पास 1 इंची का पीवीसी पाइप है, तो इसमें मैं सारी चीज़ें फिट करूँगा। तो यहाँ पे पहले जो है मैं इसमें बटन के लिए जगह बना लेता हूँ जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे बटन के लिए परफेक्ट सुराख हो चुका है, तो अब जो है इसका फिटिंग कर लेते हैं और इसको इसके बराबर काट लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे काट लेता हूँ, इससे ये पार्ट का हिस्सा जो है मैं काट कर लेता हूँ। तो चलिए अब इस बैटरी के साथ दो तार जो है और अटैच कर लेते हैं। यहाँ पे इस दोनों सेलों के बीच में एक पीस रख लेते हैं ताकि ये दोनों सेल आपस में न लगे और इसका ग्राउंड शॉर्ट ना हो। तो यहाँ पे ये हमारे दोनों तार निकल आए और इस लाल वाले तार को मैं यहाँ पे कट कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पे बटन लगा देता हूँ। तो
तो ये हमारा बटन हो गया है, इसको मैं इस पे फिक्स कर देता हूँ। अब जो है इस यूएसबी के लिए इसमें यहाँ पे जगह बन लेता हूँ, उसके बाद जो है इसको बंद करेंगे। तो इसमें काव्या की मदद से मैं सुराख कर लेता हूँ। तो चलिए अब इसमें मॉड्यूल अंदर लगा लेते हैं। तो इसमें मैंने यूएसबी और चार्जिंग के लिए दोनों सुराख कर लिए और ये इसके लिए बिल्कुल फिक्स है। इसके ऊपर मैंने सरोशन टेप लगाया है, तो ये इसको मैं बाद में इससे हटा दूंगा। तो अभी जो है मैं इसको इसमें अच्छी तरह से फिट कर लेता हूँ। तो इस मॉड्यूल को नीचे वाली साइड पे मैं यहाँ पे एक छोटा सा पीस रख लेता हूँ और इसके साथ मैंने यहाँ पे एक छोटा सा लकड़ी भी फंसाया, तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें फंस गया है। इस अब इसके ऊपर थोड़ा सा सुपर ग्लू डाल लेते हैं। तो यूएसबी मॉड्यूल मैंने इसमें अंदर फिट किया, ये यूएसबी वाला साइड है और ये चार्जिंग वाला साइड है। तो इससे हमारा सेल भी चार्ज भी होगा और हमारा बैक पावर बैंक भी यहाँ से होगा। तो अब जो है मैं इसका ये ऊपर वाले दो तारे जो है अपने लाइट में लगा देता हूँ और इसको जल्दी जल्दी से बंद कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे जिस साइड पे सुराख वाला है ये हमारा नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, तो इसको मैं नेगेटिव और पॉजिटिव जल्दी जल्दी से लगा देता हूँ। और ये हो गया दूसरा वाला पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव हो गया। तो चलिए एक दफा टेस्ट कर लेते हैं। तो बहुत ही तेज रोशनी देता है। तो चलिए अब यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा सुपर ग्लू लगा देता हूँ। तो यहाँ तक जो है ये हमारा अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है और अब जो है मैं इसको पिछले साइड के लिए एक ढक्कन काट देता हूँ। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे निशाने लगाए हुए हैं, तो इससे मैं एक जल्दी जल्दी से काट देता हूँ और इसको पीछे लगा देता हूँ। तो अब जो है मैं इसको ये पीछे वाला साइड मैंने काट दिया, इसको सुपर ग्लू से चिपका देता हूँ। तो ये नीचे वाला साइड मैंने सुपर ग्लू से इसके साथ चिपका लिया है और अब जो है ये मैंने 2 इंची का एक और पीस काटा हुआ है और इससे जो है इसका स्टैंड बना लेते हैं। इसको मैं जल्दी जल्दी से काट लेता हूँ। तो इसके ऊपर मैं सुपर ग्लू लगा देता हूँ। तो स्टैंड को जो है रेगमाल से बिल्कुल गोल कर लेते हैं। तो अब ये मेरे पास है 1 इंची का और पीस है, इसको मैं इस तरह इसके ऊपर एलपी करके लगा देता हूँ, तो ये इसका स्टैंड हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो गाइस ये हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है और ये इसका स्टैंड है। तो बहुत ही खूबसूरत स्टैंड बना है इसका। तो चलिए अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से ये ऑन अप है, इसका काफी ज्यादा रोशनी है और यहाँ से जो है हम इसको पहले चार्ज करेंगे। तो ये माइक्रो यूएसबी वाला केबल इसमें लगता है, तो यहाँ से ये चार्ज होता है। ये इसमें रेड लाइट ऑन हो गया, तो जब ये पुल हो जाएगा तो ये रेड लाइट जो है ये फिर ब्लू हो जाएगा। तो चलिए अब इसका बैकअप देखते हैं। तो इसको मैं अपने मोबाइल में लगा देता हूँ। तो ये आप लोगों के सामने है, चार्जिंग स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।